प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 लॉन्च हो गया है। अब इसमें आपको पहले से भी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगी। इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके बताऊंगा किस तरीके से आप फॉर्म फिलअप करके आप जो है आपके अगल बगल में कहीं भी अगर आपका गैस एजेंसी है वहां पर जाके जमा करते हैं तो वहां पर आपको छोटी सी एक KYC होगी और वहां पर आपको एक गैस सिलेंडर भरा हुआ मिल जाएगा और एक स्टोव यानी एक चूल्हा आपको मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। स्वागत, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 में आप किस तरीके से आप ऑफलाइन और ऑनलाइन किस तरीके से अप्लाई करेंगे। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊँगा कि अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आप जो है फॉर्म जो इसमें मैं आपको दे रखा हूँ जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी मिल जाएगा, वो फॉर्म फिलअप करके जो है आप गैस एजेंसी में ले जाकर जमा करेंगे। वो फॉर्म को ले जाकर आपको जो है गैस एजेंसी में जमा करना है और आपके KYC होने के बाद आपको जो है गैस सिलेंडर और गैस चूल्हा आपको वहाँ पर मिल जाएगा। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊँगा कि आप किस तरीके से घर बैठे आप अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के लिए आप किस तरीके से आप घर बैठे रजिस्ट्रेशन करेंगे और आपको 1 रुपया भी खर्चा नहीं होगा और आपको बिल्कुल फ्री में भरा हुआ गैस सिलेंडर और आपको स्टोव यानी चूल्हा मिल जाएगा। सो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप घर बैठे आप अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के लिए इस तरीके से आप जो है ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो आपको भी अगर गैस सिलेंडर और चूल्हा फ्री में लेना है और आप चाहते हैं कि हम ले तो इस वीडियो को आपको कम्प्लीटली लास्ट तक जरूर देखना होगा, तभी आप ये सीख पाएंगे किस तरीके से आप जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 जो लॉन्च हुआ है उसमें आप किस तरीके से फ्री में भरा हुआ गैस सिलेंडर और किस तरीके से स्टोव यानी चूल्हा आप किस तरीके से फ्री में आप लेंगे। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली ज़रूर देखिएगा। जैसे ही फॉर्म को फिलअप कर देते हैं तो आपको एक छोटी सी KYC के लिए आपको यह गैस एजेंसी में जानी होगी और जहाँ आपके अगल बगल में जो गैस एजेंसी वहाँ पर जाइएगा, गैस के लिए भी आप अप्लाई किए हैं उसी एजेंसी में आपको जाना है और आपको वहाँ पर एक छोटी सी KYC होगी। इसके बाद आपको जो है भरा हुआ गैस सिलेंडर स्टोव यानी चूल्हा आपको फ्री में वहाँ पर दे दिया जाएगा और आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। सो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली लास्ट तक ज़रूर देखिएगा किस तरीके से जो है आप घर बैठे आप अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से आप किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 में आपको गैस कनेक्शन अप्लाई करने के लिए आपको इस पेज पर आना पड़ेगा, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। इस पेज में आप जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और यहां पर डॉक्यूमेंट्स भी आप यहां पर देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर जो है वुमेन आप सिंपली इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिसकी एज जो है 18 साल से ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं दूसरा जो आपको यहाँ पर LPG कनेक्शन जो है उसके और उसके हस्बैंड के नाम पर नहीं होना चाहिए, और उसके फैमिली में जो आते हैं हस्बैंड वाइफ और बच्चे आते हैं तो उसके नाम पर जो है गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए। महिला जिसके नाम पर जो गैस मिलेंगे वो जो है SC या ST से होनी चाहिए या प्रधानमंत्री आवास योजना से बिलोंग होना चाहिए या मोस्ट जो है बैकवर्ड क्लासेस से होनी चाहिए या 14-point डिक्लेरेशन के अनुसार किसी भी गरीब परिवार से होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो महिला का आधार प्रूफ देना होगा जिसमें आपको यहाँ पे एड्रेस प्रूफ और यहाँ पे आपको जो है आइडेंटिटी प्रूफ दोनों में चल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ है और यहाँ पे आपको एड्रेस प्रूफ है, इस दोनों में आपको चल जाएगा। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे आपको जो है राशन कार्ड देना होगा, लेकिन अगर माइग्रेंट वर्कर है अगर अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर वो रहने लगे हैं तब तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेल्फ डिक्लेरेशन एनेक्चर फॉर्म का जो है फॉर्म आपको यहाँ पे उसको देना पड़ेगा। तो ये फॉर्म है आपको ये यहाँ पे आपका नाम, यहाँ पे आपका आधार नंबर, इसके बाद यहाँ पे जो है पति पत्नी का नाम, फादर नाम, और ये आपको यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे जो है बेनिफिशियरी के नाम, यहाँ पर आधार नंबर, यहाँ पर रिलेशनशिप क्या है, जेंडर है और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा कि फैमिली में कितने मेंबर है। तो अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो अब ये जो है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको फिलअप करके भरना होगा, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये जो है सिर्फ माइग्रेंट्स के लिए है, ये जो है आपके राशन कार्ड के जगह पे ये फॉर्म आपको काम करेगा।
तो इसको आप फिलअप करेंगे और इसको जो है आप जो है अटैच कर देंगे मेन फॉर्म के साथ। इसके बाद जितने भी फैमिली मेम्बर है जिसकी उम्र जो है 18 साल से ऊपर है उसको यहाँ पे आधार कार्ड यहाँ पे उसको देने होंगे, और साथ ही जो है एप्लीकेंट का जो है बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड भी देना होगा। ये तो बात हुई आपकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की। अगर आपको जो ये फॉर्म भरना है तो आप फॉर्म को कैसे भर सकते हैं, यहाँ पे आपको दो मेथड मिल जाता है, आप तो इसको ऑनलाइन भर सकते हैं या इसको जो है आप ऑफलाइन भी भर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको ये जो है ऑफलाइन वाला फॉर्म है इसको आपको जो है पूरा फॉर्म को आपको फिलअप कर देना है। यहाँ पे आपको एक फोटो लगेगा और ये जो है आपको पूरा जहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर देना है, और ये फॉर्म को भर के आपको जो आपके अगल बगल में जहाँ भी गैस एजेंसी है वहाँ पे आपको जाके ये फॉर्म को जमा कर देना। उज्ज्वला योजना 2.0 में आपको दो तरह से मेथड मिल जाते हैं, आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मेथड में आप ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। इस फॉर्म को जो है आप जो प्रिंटआउट निकलवा के इस फॉर्म को अच्छी तरीके से फिलअप करके भर के आप जो है अगल बगल में जहाँ भी गैस एजेंसी है वहाँ जाके जमा कर देना है, तो आपके नाम पे गैस चालू हो जाएगा और आपसे एक रुपया भी नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आप माइग्रेंट है, आपके पास राशन कार्ड नहीं है, तब तो आप जो है ये फॉर्म को जो है अच्छी तरीके से फिलअप करेंगे और फिलअप करने के बाद भरने के बाद आप जो है इस फॉर्म के साथ लगा के जमा कर देंगे तो आपका जो है गैस जो है चालू हो जाएगा और आपसे एक रुपया भी नहीं लिया जाएगा। ऑनलाइन जो है आपको फॉर्म को फिलअप करने के लिए स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ देखिए ऑनलाइन पोर्टल, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको चूज कर लेना है कि आपको जो है कौन सा गैस लेना है, तो इसमें से आप जो है कोई भी गैस ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ भारत गैस वाले पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके सामने में ये पेज ओपन होकर आ गया। यहाँ पे जो है सबसे पहले यहाँ पे कनेक्शन टैब चूज करेंगे कि आपको कौन सा कनेक्शन चाहिए। जैसे यहाँ पे उज्ज्वला 2.0 न्यू कनेक्शन, यहाँ पे आप रेगुलर, यहाँ पे हम चूज करते हैं उज्ज्वला 2.0 न्यू कनेक्शन। इसके बाद वहीं यहाँ पे आप कंसर्न देना है, इसके बाद यहाँ पे आपका स्टेट चूज कर लेना है कि आप कौन से स्टेट से हैं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है कि भैया आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट से है, तो वो डिस्ट्रिक्ट आपको इसमें से चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे जो है शो लिस्ट वाले पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे जो है आपके जो भी स्टेट में और डिस्ट्रिक्ट में जो भी गैस कनेक्शन है वो गैस कनेक्शन यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट आ जाएगी। आपको देख लेना है कि आपके अगल बगल में यहाँ पे कौन सा जो नज़दीक में है उसको आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। जैसे मेरे केस में यहाँ पे मैं इस वाले को चूज कर लिया हूँ। इसके बाद यहाँ कंटिन्यू वाले पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने में कुछ इस तरीके से यहाँ पे अपना बोला जा रहा है कि आपको मोबाइल नंबर डालना है, तो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, अगर कैप्चा समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे आपको कैप्चा डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद यहाँ सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, OTP यहाँ पे आपको डाल देना है। OTP डालने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट OTP पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको न्यू KYC पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे नॉर्मल KYC पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे प्रोसीड वाले पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ बोला जा रहा है कि क्या कस्टमर माइग्रेंट फैमिली के अगर मतलब अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके रहने लगे हैं तब तो यहाँ पे यहाँ वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको पूरा जो है यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है। अगर नहीं अपने ही स्टेट में है तो यहाँ पे नो वाले पे क्लिक रहने देंगे। जैसे मैं आपको पहले बताया हूँ कि आप जो है माइग्रेंट के लिए जो है राशन कार्ड जरूरी नहीं है, आप सेल्फ डिक्लेरेशन भी दे सकते हैं। अगर आपको राशन कार्ड दे रहे हैं तो उसका नंबर डालेंगे, यहाँ पे स्टेट चूज कर लेंगे कौन से स्टेट से हैं। इसके बाद यहाँ पे जो है टाइप ऑफ स्कीम यहाँ पे आप चूज कर लेंगे, यहाँ पे उज्ज्वला 2.0 इस तरीके से। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट इशू कौन सा डेट में हुआ था वो आपको यहाँ पे डेट आपको डाल देना है, वो नंबर यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको लोकेशन डाल देना है, कौन सी लोकेशन पे आपको ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे इशू हुआ था। इसके बाद कैटेगरी यहाँ पे आप चूज कर लेंगे, SC ST OBC। इसके बाद यहाँ प्रोसीड वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आप जो है ये डिक्लेरेशन देंगे कि आप अपने पूरे फैमिली मेम्बर के आधार कार्ड देंगे, तो यहाँ पे आप इसको कंसेंट देना है। तो यहाँ पे आपको डाल देना है कि आपके फैमिली में कितने ऐसे आदमी हैं जिसके एज जो है 18+ है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 2। तो इस तरीके से आपके फैमिली में जितने भी मेंबर रहेंगे, जितने भी आदमी रहेंगे, वहाँ यहाँ पे आपको डाल देना है। यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कि उसके साथ आपको क्या रिलेशन है, जैसे यहाँ फादर, मदर, सन, डॉटर, ब्रदर, तो आपका जो भी है इस तरीके से आपको यहाँ पे रिलेशन चूज कर लेना है। यहाँ पे फर्स्ट नाम, यहाँ मिडिल नाम, यहाँ पे लास्ट नाम, यहाँ पे आधार नंबर, यहाँ पे एज। इसके बाद जो है फैमिली मेंबर के आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पे रीजन चूज कर लेंगे कि जो है उसका आधार कार्ड क्यों नहीं है।
जैसे यहाँ पे है डेथ हो चुका है या इसको कुछ और रीज़न है तो वो आप यहाँ पे वो चूज कर लेना है। अगर एक से ज़्यादा मेंबर है तो यहाँ पे एड न्यू फैमिली मेंबर है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे और भी आपको मेंबर आ जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना है कि उसके साथ क्या रिलेशन है। उसी तरीके से यहाँ पे उसका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आधार नंबर, एज, और यहाँ पे आपको चूज कर लेना है आधार कार्ड है या नहीं। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, आपको इसमें से रीज़न चूज कर लेना है। जैसे अगर आपके फैमिली में कोई नहीं है तो यहाँ पर कोई महिला अगर सिंगल रहती है तो यहाँ पर इस वाले को आप टिक करेंगे, लेकिन अगर डाइवोर्स हो गया है या हस्बैंड की डेथ हो गया है तब तो दूसरा वाला ऑप्शन को टिक करेंगे। अगर जो इनमें से कुछ भी नहीं है तो इस तरीके से इसको अनटिक छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है पर्सनल डिटेल्स यहाँ डालना है, यहाँ पे मिस से जो भी है चूज कर लेना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। इसके बाद यहाँ पे जाना है और इस कैलेंडर में से जो है आपको डेट ऑफ बर्थ चूज करके डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन है, आपको यहाँ पे एड्रेस प्रूफ देनी पड़ेंगे। तो एड्रेस प्रूफ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देना है, आपको इस पर क्लिक करके वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पर आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पे यहाँ वोटर आईडी, यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है जो आपको यहाँ पे है, नेम डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे आप डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट में आपको क्या देना है वो सारा आपको यहाँ पे फॉर्म में मिल जाता है। ये देख के आपको वहाँ पे फिलअप कर देना है। इसी तरीके से यहाँ पे आपको कैटेगरी में जाके यहाँ पे आपको इस कैटेगरी में से चूज कर लेना है कि आपको क्या डालना है। इसके बाद यहाँ पे हाउस नंबर, फ्लैट नंबर डालना है। इसके बाद यहाँ पे बिल्डिंग अपार्टमेंट नंबर डालना है, लैंडमार्क का नंबर डालना है, सिटी टाउन डालना है। इसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट डाल लेना है, पिन कोड, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है। इसी तरीके से यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन इस साल में आ जाता है, इसी तरीके से आपको इसको फिलअप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे अदर रिलेटिव डॉक्यूमेंट डिटेल्स आपको यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पे आपको जो है आधार कार्ड चूज कर लेना है या इस पर क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, इसमें से देख लेना कि आपके पास क्या है, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे जो है कार्ड नंबर भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे वेरीफाई आधार पे क्लिक करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है आधार नंबर डालना है, यहाँ पे बैंक नेम डालना है, आईएफएससी कोड डालना है, यहाँ पे अकाउंट टाइप किस टाइप की आपकी अकाउंट है, आपको इसमें से सेविंग है या करेंट है, जो भी है तो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। यहाँ पे जो अकाउंट बैंक का अकाउंट नंबर है वो डालना है, यहाँ पे जो है बैंक पे क्या नाम है वो डालना है, और यहाँ पे कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे देखें पैकेज सिलेक्शन, यहाँ पे जो है आपको पैकेज सिलेक्शन इसमें सेलेक्ट कर लेना है कि कितने केजी का आपको सिलेंडर चाहिए, जहाँ पे 5 केजी या 14.2 मतलब 14.2 केजी का चाहिए। जैसे मैं हमको ये चाहिए तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद यहाँ पे आपको चूज कर लेना है कि आप गांव से हैं या शहर से हैं। अगर गांव से हैं तो रूरल चूज करेंगे, अगर शहर से है तो आपको यहाँ पे अर्बन चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपकी कौन सी आप डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो जो भी आप डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अगर फॉर्म पूरा सही है तो यहाँ पे आपको कंसेंट देंगे, इसके बाद यहाँ पे सबमिट वाले पे क्लिक कर देंगे। सबमिट करते ही आपका जो एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और आपको जो है एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। तो आपको जो है गैस एजेंसी की तरफ से आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा और आपको जो है एक बार गैस एजेंसी में आपको वहाँ पे जाके विजिट करना है। तो वहाँ पे जो है आपको जाने के बाद केवाईसी कंप्लीट करने के बाद आपको जो है गैस कनेक्शन मिल जाएगा और आपको जो है 1 रुपया भी वहाँ पे नहीं लगेगा। तो वहाँ पे जो है आपको जो है भरा हुआ गैस सिलेंडर मिलेगा और वहाँ पर आपको स्टोव यानी आपको एक चूल्हा भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा, और वहाँ पे जो है आपको एक भी पैसा पे नहीं करना है। सो इस तरीके से गाइस आप बहुत ही इजी तरीके से आप जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 में आप जो है घर बैठे अपने मोबाइल फोन से, लैपटॉप से ही गैस कनेक्शन के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस आपने इस वीडियो में ये सीख ही लिया होगा किस तरीके से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 में आप किस तरीके से घर बैठे अपने मोबाइल फोन से, लैपटॉप से आप किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।